जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने एक प्रेस वार्ता का ऑर्गेनाइज किया और प्रेस को ये जानकारी दी कि अभी हाल में आपने ये सुना होगा कि बीआईटी मिश्रा के एक रिटायर्ड प्रोफेसर है जिनको अगवा कर लिया गया था। आपको बताते चले कि वो घर में अकेले रहते थे और अकेले रहने की वजह से कितने दिन तक तो पता ही नहीं चला कि आखिर वो अगवा भी हुए हैं। लेकिन जैसे पता चला, कौशल किशोर एसएसपी ने एक एसआईटी टीम का गठित किया और मात्र, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मात्र 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया गया। और इन तीनों आरोपियों ने बहुत साजिश के तहत इनको पहले घर से बाहर बुलाया, फिर इनको अगवा किया। क्या कुछ पूरा मामला है, आप खुद सुनिए सिटी एसपी अंशुमन कुमार से। गत 25 तारीख को रांची पुलिस को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में एक सूचना आई कि बीआईटी मिश्रा के एक रिटायर्ड प्रोफेसर, जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए थे, श्री सुप्रियो कुमार दास, उनका अपहरण हो गया है। और सूचना देने वाले हमें आसाम से भी सूचना मिली, और साथ ही जिस घर में वो रहते थे अपहृत व्यक्ति, उसके मकान मालिक ने भी हम लोग को सूचना दी कि पिछले कुछ समय से ये गायब है, पता नहीं चल रहा है। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि इंस्पेक्टर सदर, बीआईटी मिश्रा के थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी शामिल थे। लगातार खोजबीन करने पे फाइनली हमने श्री सुप्रियो कुमार दास को अंगारा से रिकवर किया है। रिकवर करने के साथ ही हम लोगों ने तीन लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिनका नाम शंकर महतो, अनिल कुमार मिश्रा और भोला कुमार है। ये अनिल कुमार मिश्रा जो हैं, ये नेवरी के रहने वाले थे, और भोला कुमार नालंदा मुख्य रूप से, और शंकर महतो भी, ये भी मिश्रा में रहने वाले। शंकर महतो बीआईटी मिश्रा का ये फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी था और इसका अपहृत व्यक्ति से पूर्व परिचय था। घटना इस प्रकार से हुई कि शंकर महतो ने उनको अपने भरोसे में लेकर अपने घर से वो बाहर लेकर गया, और इन तीनों ने मिलकर फिर एक ओमनी वैन का मदद लेते हुए उनको अपहरण कर लिया और अंगारा में जाकर इनको छिपा दिया। उसके पश्चात, क्योंकि इनके साथ कोई रहता नहीं था, तो तुरंत पता नहीं चल पाया कि इनका अपहरण हो गया है। फाइनली जब हम लोगों को सूचना मिली तो फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा कुछ पैसे की भी उगाही करने का प्रयास किया गया है, जिसका हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि इस प्रकार से ये फाइनली हुआ है। कितना पैसा मांगा गया? पैसा मांगने की जैसी कोई बात ही नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया, ये शादीशुदा नहीं थे, ये अकेले रहते थे। इनको ही डरा धमका कर कोई पैसा उगाही करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं कि कितना पैसा इनसे लिया गया है और पैसा कहाँ गया है। कितने दिन तक रखा गया था? जो हम लोगों को अभी प्राइमरी जानकारी है कि 19 तारीख की रात में ये घटना घटी थी, लगभग 7 दिन जो है इनको रखा गया है। हथियार का भी इस्तेमाल किया गया? देखिए, हमारे पास जो है, उनके पास से एक हथियार जो कि एक चाकू है, वो रिकवर हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भरोसे का इस्तेमाल करके जो है इसको इनको ले जाया गया था। जो बताया जा रहा है कि एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी शंकर महतो के द्वारा, क्योंकि ये पूर्व परिचित थे तो खाने के लिए उसके पास चले गए थे, फिर गपशप करते हुए इनको भला फुसला कर ले जाया गया, फिर इनका अपहरण कर लिया गया। तो सुनियोजित? हाँ, सुनियोजित था। अपराधी भी बहुत सारे जो गिरफ्तार हुए, इसमें से एक जो भोला कुमार है उसका अपराधी, भोला कुमार अमित मिश्रा, हाँ अमित मिश्रा जो है उसका एक अपराधी। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस काम को अंजाम दिया गया है, और साथ ही इनके पास से मोबाइल फोन और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल जारी है और सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।